वेलकम टू माय चैनल पिस्टन नाउ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की। कॉज गाइस, ये बाइक इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक है, तो मैंने सोचा जब इतनी ये बाइक बिकी रही है तो क्यों ना पता लगाया जाए कि एक्चुअली में ये बाइक कितना माइलेज देती है इन 1 लीटर ऑफ फ्यूल। एंड गाइस, जो आप हमारे सामने ये रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 देख रहे हो, ये एक फ्यूल इंजेक्टेड वाली बाइक है। मींस जब ये बाइक लॉन्च हुई थी उस टाइम पे इसमें कार्बोरेटर इंजन आता था एंड बहुत टाइम तक चला, बट इन 2019 और 2020 इस बाइक के कार्बोरेटर को चेंज करके FI कर दिया गया था। वेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बाइक में आपको वो फ्यूल इंजेक्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसके माइलेज टेस्ट करना थोड़ा सा आप कह सकते हो बड़ा प्रोसेस बन जाता है। कॉज अगर कार्बोरेटर इंजन होता तो हम यहाँ से पूरा फ्यूल को ड्रेन आउट कर लेते एंड फिर करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता माइलेज टेस्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं, इस बाइक के टैंक में बहुत ही ज़्यादा कम फ्यूल है, तो फटाफट से इस बाइक के फ्यूल को ड्रेन आउट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बाइक के टैंक में ऑलरेडी थोड़ा बहुत फ्यूल अवेलेबल है। थोड़ा बहुत से मतलब है मेरा बहुत ही ज़्यादा कम अवेलेबल है। एंड गाइस, जैसे मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि आपको इस बाइक में कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में फ्यूल इंडिकेशन का फीचर नहीं मिलता है, हालांकि आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये बाइक है ही इतनी ज़्यादा फेमस। एंड साथ में कुछ वो रॉयल वाली की बात आ जाती है इसमें, जिसकी वजह से इसमें फ्यूल इंडिकेशन नहीं मिलता है। एंड साथ में जो राइडर्स इस बाइक को परचेज करते हैं उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्यूल इंडिकेटर की। इसी वजह से लाइक आप कह सकते हो ये भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न है जिससे मैं जानूं कि एक्चुअली में ये बाइक एवरेज कितना देती है। तो चलो पहले फटाफट से जो इसमें ऑलरेडी फ्यूल है उसको फटाफट से बर्न आउट करते हैं, चलते हैं अपने लोकेशन पे एंड फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सो गाइस, फाइनली यहाँ पे हमारा बाइक मिसिंग मारना स्टार्ट कर चुका है। मीन्स हमारे बाइक में जो भी फ्यूल था वो सारा बर्न हो चुका है। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको बार बार आपको स्टार्ट करके नहीं दिखाऊंगा, कॉज एक FI इंजन है तो कहीं ना कहीं FI इंजन पे प्रेशर पड़ेगा एंड वो प्रॉब्लम कर सकता है। देख सकते हो हमारी बाइक फाइनली बंद पड़ चुकी है, मीन्स हमारे बाइक का फ्यूल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। गाइस, यहाँ पे हमारे बाइक का फ्यूल पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुका है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा हमारे बाइक का फ्यूल पूरी तरीके से खत्म है। अब फटाफट से इस बाइक में 1/2 लीटर ऑफ फ्यूल डालते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा 1/2 लीटर ऑफ फ्यूल। देख सकते हैं जैसा कि ये एक 1/2 लीटर का वाटर बॉटल है, इसमें हमने स्ट्रीम को फिल कर लिया है। अब फटाफट से इस स्ट्रीम को इसमें डालते हैं एंड उसके बाद गाइस, इसमें वैसे ट्रिप मीटर तो है नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी नंबर्स हैं हम इसको पहले नोट कर लेंगे एंड उसके बाद जब हमारे बाइक का फ्यूल खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर जितना भी ये काउंट होगा, जितने भी किलोमीटर, जितने भी इसमें डिस्टेंस काउंट होगा, उसमें से हम इन किलोमीटर्स को माइनस कर देंगे, बाकी जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा हमारा किलोमीटर्स इन 1/2 लीटर ऑफ फ्यूल। तो चलो फटाफट से इस फ्यूल को इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 लीटर ऑफ फ्यूल डाल लिया है, चलते हैं एक छोटी सी राइड पे एंड उसके बाद देखते हैं कि एक्चुअली में हमारी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 ने 1/2 लीटर में कितना माइलेज निकाला है। फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्चुअल में हमारे रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 ने 1 लीटर में कितना माइलेज दिया है। तो चलो फटाफट से चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Infiltrate, I'm with my strategy. We're not enough.
सो फाइनली इतनी ज़्यादा राइड करने के बाद हमारे बाइक का फ्यूल हो चुका है ख़त्म, कॉज हमारी बाइक मिसिंग मारना स्टार्ट कर चुकी है एंड आई डोंट थिंक कि अब ये बाइक ज़्यादा चलने वाली है, तो फटाफट से देखते हैं कितनी चलती है और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो यहाँ पे हमारी बाइक बंद पड़ चुकी है एंड हमारा टेस्ट हो चुका है कंप्लीट एंड गाइज ट्रस्ट मी इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, बट गाइज वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, पहले हम चलते हैं किसी अच्छे से लोकेशन पे, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे उतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो चलो फटाफट से चलते हैं एक अच्छे से लोकेशन पे एंड उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। फाइनली हम एक अच्छी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे मैं आपको आराम से बता सकूँ और एक्सप्लेन कर सकती एक्चुअली मैं हमारे बाइक ने कितना एवरेज दिया है। सो गाइस जब हमने अपने बाइक की राइड स्टार्ट करी थी तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तब थे हमारे बाइक के किलोमीटर्स दैट इज 20,535 किलोमीटर एग्जैक्ट, एंड जब हमने राइड खत्म करी है तो वो भी आपके सामने आ रहा होगा दैट इज 20,558.7 किलोमीटर। सो गाइस वहीं पे अगर हम 20,555.7 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं 20,535 किलोमीटर से, जो किलोमीटर्स निकल के आता है दैट इज 23.7 किलोमीटर, मींस इस बाइक ने हमें हाफ लीटर में एवरेज दिया है दैट इज 23.7 किलोमीटर। बट वहीं पे गाइस अगर हम बात कर ले 1 लीटर की तो गाइस हमें बस उसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो गाइस क्या मल्टीप्लाई करते हैं 23.7 किलोमीटर इंटू 2, तो गाइस जो हमारे पास आंसर निकल के आता है दैट इज 47.4 फ्रीकिंग किलोमीटर। गाइस सच बताओ तो ये बहुत ही अच्छा माइलेज है, लाइक 350 सीसी होने के बावजूद इस बाइक ने हमें माइलेज दिया है 1 लीटर में दैट इज 47.4 किलोमीटर। एंड गाइस सच बताओ तो अब मैं कह सकता हूँ कि यप रॉयल इनफील्ड जैसी भी बाइक बनाए कितने भी वाइब्रेशन हो बट ये माइलेज पे पूरा ध्यान देती है। तो गाइस अगर आप कोई भी बंदा ये बाइक परचेज करता है तो मुझे उससे इतनी ज्यादा शिकायत नहीं होगी, बस कहीं ना कहीं ये बाइक आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से दे देती है दैट इज माइलेज एंड सेकेंड थिंग आपको थोड़ी बहुत लुक्स एंड रॉयल्टी भी ये प्रोवाइड करा ही देती है। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। तो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।